बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पे। मैं हूँ सपना अनेक बार फिर आप सभी को ले आई हूँ हमारे ही एक न्यू प्रोजेक्ट लोकेशन पे। जैसा कि आज आप मेरे बैक साइड में बहुत ही शानदार आलीशान सा विला आप देख रहे हैं। इस विला के लोकेशन की अगर अपन बात करें तो मॉडल टाउन जगतपुरा में लोकेटेड है। मॉडल टाउन जो लोकेशन है जगतपुरा की बहुत ही प्राइम लोकेशन मानी जाती है। आसपास की लोकेलिटी आप देख रहे हैं पूरी कवर है। मेन जो 200 फीट रोड है अपनी जो अपनी जगतपुरा वाली जो मेन 200 फीट रोड है उस रोड से ये हार्डली 100 मीटर के डिस्टेंस पे ही आपको ये विला मिल रहा है। इस विला के साइज की अगर अपन बात करें तो 152 गज में ये पूरा विला बना हुआ है एंड इसका डायमेंशन 18x78 का रहने वाला है। 18 का इसमें जो आपको फ्रंट मिल रहा है ये भी बहुत अच्छा मिल रहा है एंड इसका फेसिंग ईस्ट फेसिंग रहने वाला है। वास्तु के अकॉर्डिंग भी अगर अपन फेसिंग देखें तो बहुत अच्छा इसमें आपको फेसिंग मिल रहा है। लोकेशन बहुत प्राइम है इसकी एंड जैसा कि आप देख रहे हैं 6 BHK में पूरा जो विला है बना हुआ है। JDA अप्रूव्ड होने के साथ साथ ये प्रॉपर्टी सब डिविजन प्रॉपर्टी भी है। नेशनलाइज्ड बैंक्स एंड प्राइवेट बैंक्स जिस भी बैंक से आप लोन लेना चाहें इस प्रॉपर्टी के लिए लोन आपको बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। अब मैं आपको ले चलती हूँ इस विला के एक रिव्यू पे चलने से पहले अगर आप कृष्णा होम्स पे नए हैं फर्स्ट टाइम अगर आप हमारा ये वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए। न्यू अपडेट्स आपको टाइम से मिलती रहेंगी। आइए जैसे ही आप विला में एंटर होते हैं सबसे पहले आपको ये एरिया मिल जाता है। एक और बात मैं आपको बताना चाहूंगी नॉर्मली जो विलाज हम आपको दिखाते हैं वो डुप्लेक्स विला दिखाते हैं। ये जो विला है ये ट्रिप्लेक्स विला बना हुआ है। इसका इसके जो फ्लोर्स हैं वो 3 फ्लोर्स हैं। ये जो फ्लोर आप देख रहे हैं ये अपना ग्राउंड फ्लोर है। ग्राउंड फ्लोर पे हमने पूरा जो एरिया आपको दिया है ये पार्किंग का दिया है। यहाँ पे आप इजीली अपनी बड़े से बड़े साइज की 4 से 5 कार यहाँ पार्किंग में आप कर सकते हैं, इजीली पार्क कर सकते हैं। यहाँ आप देख रहे हैं अंडर वाटर स्टोरेज टैंक आपको यहाँ हम दे रहे हैं। यहाँ आप अपना गैस सिलेंडर का जो लाइन होता है वो यहाँ से कनेक्टेड रहेगा आपका किचन का। अब मैं आपको ले चलती हूँ अपने देखिए इस पार्किंग एरिया में आपको पार्किंग के लिए यहाँ पे बड़ा सारा स्पेस मिल गया। इसी से अटैच इसी पार्किंग एरिया में हमने यहाँ एक रूम भी बनाया है उसमें अटैच वॉशरूम भी है। आइए मैं दिखा देती हूँ आपको। इसके स्टेयर्स आपको ऊपर जाने के लिए जो स्टेयर्स है वो इस साइड से आपको मिल रही हैं। ये मिल जाता है हमें हमारा फर्स्ट बेडरूम। देखिए ये हमें मिल गया हमारा फर्स्ट बेडरूम जो कि हमारी पार्किंग एरिया से ही कनेक्टेड है। इस रूम के डायमेंशन की अगर अपन बात करें तो 12x18 का इसका डायमेंशन रहने वाला है। साइज से आपको पता लग रहा होगा ये भी काफ़ी स्पेशियस है। यहाँ आपको आपके स्टोरेज के लिए वार्डरोब्स मिल रही हैं। देखिए वार्डरोब्स में भी आपको काफ़ी सारा स्टोरेज यहाँ मिल रहा है, काफ़ी बड़े साइज़ की है ये भी। इस साइड आपका ये ड्रेसिंग एरिया आपको मिल गया। इसी से अटैच आपको ये मिल जाता है वॉशरूम। आइए देखिए ये भी काफ़ी स्पेशियस वॉशरूम है। आपको यहाँ जो सैनिटरी फिटिंग मिलेंगी वो जगुआर की मिलेगी, बहुत अच्छा ब्रांड उसमें भी आपको मिल जाएगा। वेंटिलेशन के लिए यहाँ आपको विंडो मिल रहा है। अब मैं आपको इसी से अटैच ये मिल गया आपको आपका LED पैनल। देखिए यहाँ ये मिल गया आपको एक्स्ट्रा स्पेस। देखिए यहाँ आप अपना कोई भी सामान इजीली स्टोर कर सकते हैं, काफ़ी सारे स्पेस आपको उस साइड। यहाँ आपको टैब एंड ड्रेन यहाँ मिल रहा है, जैसा चाहे इस एरिया को कवर कर सकते हैं। यहाँ तक आपको ये स्पेस मिल रहा है। वॉशिंग मशीन आप यहाँ अपनी मैनेज कर सकते हैं, कोई भी सामान आप अपना स्टोर कर सकते हैं। ये जो रूम आपको मिल रहा है इस रूम को आप चाहें तो गेस्ट रूम भी आप इसे बना सकते हैं या फिर आपके घर में आपकी फैमिली में कोई पेशेंट हो उसे भी आप यहाँ रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली क्योंकि डायरेक्ट इसमें आपको एंट्री मिल रही है। स्टेयर्स का कोई प्रॉब्लम नहीं है, चढ़ने उतरने का इसमें कोई काम आपको नहीं रहने वाला है। बहुत अच्छा ये आपको एक प्लस पॉइंट मिल रहा है, इसे हमने बहुत अच्छे तरीके से डिज़ाइन किया है। आइए अब मैं आपको ले चलती हूँ अपने फर्स्ट फ्लोर पे। फर्स्ट फ्लोर पे एंटर होने से पहले ये जो एरिया आप देख रहे हैं देखिए ये भी आपको काफ़ी स्पेस यहाँ मिल गया। कोई भी सामान यहाँ स्टोर कर सकते हैं, यहाँ पर इसे जैसा चाहें वैसा आप इसे प्लांटेशन वगैरह कर सकते हैं, डेकोरेशन आप यहाँ कर सकते हैं। अब मैं आपको ले चलती हूँ अपने फर्स्ट फ्लोर की तरफ। आइए ग्राउंड फ्लोर आपने देख लिया है। यहाँ भी अगर आप देखेंगे स्टेयर्स के आसपास भी यहाँ भी हमने छोटी वार्डरोब दी हैं, आप इसे चाहें तो शू रैक भी बना सकते हैं। काफ़ी सारा स्पेस आपको यहाँ भी मिल गया। आइए जैसे ही हम फर्स्ट फ्लोर पे एंटर होते हैं हमें ये मिल जाती है छोटी सी लॉबी। देखिए इस लॉबी में भी आपको यहाँ आपके स्टोरेज के लिए छोटी वार्डरोब्स यहाँ मिल गई। इसे आप चाहें तो टेम्पल भी अपना यहाँ बना सकते हैं, छोटा मंदिर भी यहाँ आपका इजीली बन जाएगा, बहुत अच्छा लुक देगा। ये मेरी तरफ से मैंने आपको एडवाइस दिया है, बाकी आप जैसा चाहें वैसा कर सकते हैं। ये मिल जाता है हमें हमारा लिविंग एरिया। देखिए बहुत बड़े साइज़ का ये लिविंग एरिया है। ऊपर की तरफ अगर आप देखते हैं तो बहुत ही सुंदर आपको यहाँ फॉल सीलिंग मिल रही है। इसका लुक आप देख रहे हैं बहुत ही शानदार इसका लुक निकल के आया है। ये मिल गया आपको LED पैनल। देखिए ये भी काफ़ी बड़े साइज़ का LED पैनल है। बैक साइड का ये जो वॉलपेपर है ये आपके LED पैनल को बहुत अच्छा लुक दे रहा है एंड इसी से अटैच आपको ये मिल जाता है वॉशरूम। आइए
ये भी काफ़ी स्पेशियस है वॉशरूम आपका। यहाँ जो फिटिंग्स आपको मिलेगी सेम जगुआर की ही मिलेगी, लेकिन काफ़ी बड़े साइज़ की यहाँ विंडो लगी हुई है आपके लिए, आपके स्टोरेज के लिए। यहाँ भी आपको वॉशरूम में भी आपको यहाँ पे वार्डरोब मिल रही है छोटी, देखिए यहाँ आप अपना कोई भी सामान अपना वॉशरूम का स्टोर कर सकते हैं। आइए इस लिविंग एरिया की साइज़ की अगर अपन बात करें तो लगभग 17x17 का 17x17 का ही इसका डायमेंशन रहेगा। साइज से ही आपको साइज का इसका लिविंग का पता लग रहा होगा, काफ़ी अच्छा स्टैंडर्ड साइज़ है। ये एरिया देखिए आपको काफ़ी अच्छा, यहाँ ये इस भी स्पेस मिल गया, यहाँ आप अपना कोई भी सामान स्टोर मतलब कुछ भी आप यहाँ पे डेकोरेशन अपना कर सकते हैं। ये जो पार्टी, ये जो आपको डोर मिला है ये ग्लास का डोर मिला है, टफन ग्लास है ये, देखिए जैसा कि आप देख रहे हैं ये भी बहुत अच्छा लुक दे रहा है आपके इस एरिए को, लिविंग एरिया को बहुत अच्छा लुक दे रहा है। आइए ये मिल जाता है आपको वुडन का पार्टीशियन जो हमें सेपरेट करता है हमारे डाइनिंग एरिया से, ये मिल जाता है आपको आपका डाइनिंग एरिया, ये भी काफ़ी स्पेशियस है। वॉल आप बैक साइड का ये वॉलपेपर देख रहे हैं, बहुत ही अच्छा लुक दे रहा है ये वॉलपेपर भी। ऊपर की तरफ आपको बहुत ही सुंदर यहाँ फॉल सीलिंग मिल रही है, जैसा कि आप देख रहे हैं ये आपका जो डाइनिंग एरिया है ये अटैच करता है आपको आपकी किचन से। ये मिल गई आपको आपकी फुली मॉड्यूलर ओपन किचन, देखिए आइए काफ़ी स्पेशियस है आपकी किचन भी आपकी फिट। यहाँ आपके स्टोरेज के लिए आपको सारे कैबिनेट्स यहाँ मिल रहे हैं आपके स्टोरेज के लिए, ऊपर की तरफ भी आपको सारे कैबिनेट्स यहाँ मिल रहे हैं, देखिए सारा कुछ आपको यहाँ मिल गया। ऊपर की तरफ फॉल सीलिंग आपको यहाँ मिल रही है, फ़ैन भी हमने यहाँ काफ़ी ब्रांडेड कंपनी के यूज़ किए हैं। ये मिल जाता है आपको स्टील सिंक आपको, ये आपका वेंटिलेशन के लिए बहुत ही बड़े साइज़ की आपको यहाँ ये विंडो मिल गई। तो देखिए अगर अपन इस किचन की भी बात करें, नॉर्मली लेडीज़ के लिए किचन ही सबसे मेन होती है, तो देखिए आपके किचन के लिए भी यहाँ आपको काफ़ी सारा स्पेस मिल गया है। यहाँ आपको ये जो काउंटर टॉप आपको मिल रहा है ये ग्रेनाइट का मिल रहा है, जो चिमनी आप देख रहे हैं ये भी काफ़ी ब्रांडेड यूज़ किए, हिंडवेयर का ब्रांड है, बहुत अच्छा ब्रांड है। जैसा कि मैंने आपको फ़ैन बताया पॉलीकैप का ये फ़ैन है, बहुत अच्छा ब्रांड है आपके स्टोरेज के लिए, यहाँ आपको कोई कमी नहीं है सामान स्टोर करने की आपको किचन में। वेंटिलेशन के लिए विंडो आपको यहाँ मिल गया, फॉल सीलिंग मिल रही है, किचन आप देख चुके हैं काफ़ी अच्छी किचन आपको यहाँ मिल रही है। गैस पाइपलाइन आपको यहाँ मिल गई जो मैंने आपको नीचे से इसका कनेक्शन है जो मैंने आपको नीचे दिखाया था अभी अपने ग्राउंड फ्लोर पे पार्किंग में। इधर की तरफ अगर अपन आते हैं कि ये जो एरिया है ये अटैच करता है हमें हमारी बालकनी से, आइए देखिए ये मिल गया हमें हमारा बालकनी वाला एरिया। सामने का व्यू अब आपको यहाँ से नज़र आ रहा होगा, आसपास की लोकेलिटी आपको यहाँ अच्छे से नज़र आ रही होगी। देखिए यहाँ आपको हम टैब एंड ड्रेन दे रहे हैं, आप ये जो बैल्कनी आपको मिल गई बहुत स्पेशियस मिल गई। ऊपर की तरफ अगर आप देखते हैं तो वुडन में आपको यहाँ फॉल सीलिंग बैल्कनी में भी मिल रही है, सामने का व्यू बड़ा अच्छा है, आसपास की लोकेलिटी फुल कवर है, यहाँ से काफ़ी अच्छी लोकेशन पे ये जो विला है आपको मिल रहा है। फेसिंग बहुत अच्छा है इस विला का, ईस्ट फेसिंग बहुत अच्छा माना जाता है। अब मैं आपको ले चलती हूँ अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ, आइए। किचन आपने देख ली है, लिविंग डाइनिंग एरिया आपने कवर कर लिया है, देखिए ये जो एरिया है ये जो लॉबी है ये हमें कनेक्टेड करती है हमारे सेकंड बेडरूम से। आइए ये मिल गया हमें हमारा सेकंड बेडरूम, ये भी काफ़ी स्पेशियस है। जो नीचे आपने बेडरूम देखा था हमारा सेम उसी साइज़ में 12x18 में ही आपको ये सेकंड बेडरूम मिल रहा है। ऊपर की तरफ बहुत ही सुंदर फॉल सीलिंग आपको यहाँ मिल रही है, आपके स्टोरेज के लिए सेम आपको वही वार्डरोब्स यहाँ भी मिल रही हैं, देखिए आप इजीली यहाँ कोई भी सामान अपना स्टोर कर सकते हैं। ये मिल गया आपको ड्रेसिंग एरिया, यहाँ भी आप अपना कोई भी सामान स्टोर कर सकते हैं, देखिए। एंड ये मिल जाता है आपको वॉशरूम, आइए ये भी काफ़ी अच्छे साइज़ का वॉशरूम है, काफ़ी बड़ा साइज़ है वॉशरूम का। इस साइड भी आपको ये आपका शावर एरिया हो जाएगा सेपरेट, देखिए यहाँ भी आपको स्पेस की कोई कमी नहीं है इस वॉशरूम में, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। देखिए वेंटिलेशन के लिए यहाँ आपको विंडो हम दे रहे हैं, आपके स्टोरेज के लिए यहाँ आपको छोटी वार्डरोब्स ही मिल गई, कैबिनेट्स यहाँ मिल गई, आप कुछ भी सामान यहाँ स्टोर कर सकते हैं अपना। फिटिंग्स आपको यहाँ जगुआर की ही मिलेंगी, बहुत अच्छा ब्रांड है ये, देखिए ये आपका सेपरेट हो गया, ये शावर एरिया हो जाएगा आपका। अब मैं आपको नेक्स्ट पार्ट की तरफ ले चलती हूँ, आइए। ये जो स्पेस आप देख रहे हैं यहाँ आप अपनी LED माउंट करवा सकते हैं, LED स्पेस मिल गया आपको ये अपना।
देखिए ये जो स्पेस आपको मिल रहा है ये एक्स्ट्रा यूटिलिटी एरिया आपको मिल गया। यहाँ आपको टैब एंड ड्रेन हम दे रहे हैं, आप जैसा चाहे इसे कवर कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। बैक साइड से हमने इसे जाल लगवा के कवर करवाया हुआ है। ये डोर आप देख रहे हैं ये यूपीवीसी विंडो है, यूपीवीसी विंडो में आपको टफन ग्लास यहाँ मिल गया। यहाँ आपको एसी की फिटिंग्स वगैरह सब कुछ कंप्लीट अपने यहाँ मिल रही है, एसी की फिटिंग्स आपको सब में मिल रही हैं। अब मैं आपको अगला पार्ट दिखा देती हूँ। देखिए ग्राउंड फ्लोर आप देख चुके हैं, फर्स्ट फ्लोर आपने कंप्लीट कर लिया है। अब मैं आपको ले चलती हूँ अपने थर्ड फ्लोर की तरफ। जैसा कि मैंने आपको बताया था तीन फ्लोर में ये विला बना हुआ है। नीचे का ग्राउंड फ्लोर आपने देख लिया, फर्स्ट फ्लोर देख लिया। आइए अब अपन चलते हैं अपने लास्ट फ्लोर की तरफ। जैसे ही आप ऊपर की तरफ एंटर होते हैं आपको ये मिल जाती है बड़ी सी लॉबी। देखिए काफ़ी बड़े साइज की लॉबी आपको मिल रही है। लॉबी में सबसे पहले हमें जो मिल रहा है वो मिल रहा है ये हमारा थर्ड बेडरूम। आइए ये भी देखिए, दोनों जो बेडरूम अभी मैंने आपको दिखाया उनसे थोड़ा छोटा है ये, बट साइज़ अच्छी है इसकी भी। इसे आप चाहें तो किड्स बेडरूम की तरह भी यूज़ कर सकते हैं, बच्चों के लिए ये रूम बहुत अच्छा हो जाएगा, स्पेशियस है काफ़ी बच्चों के अकॉर्डिंग। यहाँ आपको सामान स्टोर करने के लिए वार्डरोब्स मिल रही हैं। देखिए ये आपको मिल गया ड्रेसिंग एरिया, यहाँ आप अपना ये आपका ड्रेसिंग एरिया हो जाएगा। यहाँ भी आपको स्टोरेज मिल रहा है, सामान स्टोर कर सकते हैं। LED पैनल आपको यहाँ मिल गया। रूम के लुक की अगर अपन बात करें तो देखिए बैक साइड में ये वॉलपेपर बहुत अच्छा लुक दे रहा है रूम को। फॉल सीलिंग आपको यहाँ मिल गई, इसी से अटैच ये मिल जाता है आपको आपका वॉशरूम। देखिए वॉशरूम भी काफ़ी स्पेशियस है, सेम वॉशरूम है, सेम साइज़ है। आइए देखिए, देखिए ये जो है ये आपका सेपरेट शावर एरिया हो जाएगा वॉशरूम का। सैनिटरी फिटिंग्स आपको यहाँ जगुआर की ही मिलने वाली हैं। वेंटिलेशन के लिए विंडो आपको यहाँ मिल गया। अब मैं आपको अपना फोर्थ बेडरूम दिखा देती हूँ। आइए इस लॉबी को भी आप जैसा चाहे, लॉबी के ऊपर की तरफ आप देखते हैं तो यहाँ भी फॉल सीलिंग मिल रही है। इस लॉबी में आप अपनी मेमोरीज कवर करवा सकते हैं। आइए ये मिल गया हमें हमारा मास्टर बेडरूम। देखिए ये जो बेडरूम है ये हमारा मास्टर बेडरूम है और ये फोर्थ बेडरूम है। थर्ड बेडरूम आप देख चुके हैं, डायमेंशंस की अगर अपन बात करें तो लगभग 12x18 का इसका डायमेंशन रहेगा, काफ़ी अच्छा साइज़ है। आपके स्टोरेज के लिए यहाँ आपको सेम वार्डरोब्स मिल रही हैं। देखिए आप यहाँ इजीली अपना कोई भी सामान स्टोर कर सकते हैं। यहाँ भी आपको स्पेस मिल गया, ऊपर की तरफ फॉल सीलिंग मिल गई, काफ़ी अच्छा लुक दे रही है अपने इस मास्टर बेडरूम को ये फॉल सीलिंग। फ़ैन आपको यहाँ सारे ब्रांडेड हम प्रोवाइड करवा रहे हैं। इसके अलावा आपको यहाँ पे ये ड्रेसिंग एरिया मिल गया, देखिए काफ़ी बड़े साइज़ का ये ड्रेसिंग एरिया। नीचे भी आपको स्टोरेज मिल रहा है। अब ये मिल जाता है हमें हमारा वॉशरूम। देखिए ये मास्टर बेडरूम है तो उसी के अकॉर्डिंग इसका वॉशरूम, जो अभी आपने वॉशरूम देखी उन वॉशरूम से ये बड़ा है। ये जो एरिया है ये आपका वॉशरूम का शावर एरिया हो जाएगा। एंड ये एरिया आपका देखिए, यहाँ आप यहाँ सैनिटरी फिटिंग्स आपको जगुआर की मिलेंगी। यहाँ आपको वेंटिलेशन के लिए विंडो मिल गया। साइज़ आपको रूम का पता लग गया, काफ़ी अच्छा है। इस रूम के लुक की अगर अपन बात करें तो देखिए यहाँ आपको ये मिल गया वॉलपेपर। ये वॉलपेपर इस रूम को काफ़ी अच्छा लुक दे रहा है। कलर कॉम्बिनेशन हमने हर एक बेडरूम के अकॉर्डिंग ही कलर कॉम्बिनेशन का हमने पूरा यहाँ पे ध्यान रखा है। फ्लोर आपको यहाँ काफ़ी अच्छा फ्लोर, इस पूरे विला में आपको जो फ्लोर है ये विट्रीफाइल टाइल्स आपको यहाँ मिल रही हैं, काफ़ी अच्छी ब्रांडेड टाइल्स हैं ये भी। एंड वेंटिलेशन के लिए बड़े प्रॉपर साइज़ की आपको यहाँ विंडो मिल गई। आइए ये मिल जाती है हमें हमारी बैल्कनी, जो अभी आपने बैल्कनी नीचे देखी थी अपनी फर्स्ट फ्लोर पे, ये थर्ड फ्लोर की बैल्कनी है। अब देखिए यहाँ से अब आपको सब कुछ अच्छे से नज़र आ रहा होगा। देखिए सामने ही मेन रोड है अपनी 200 फीट वाली, बहुत ही अच्छी लोकेशन पे आपको ये विला मिल रहा है। इस विला के साइज़ की भी अगर अपन बात करें तो साइज़ भी बड़ा अच्छा है, 152 गज 152 स्क्वायर यार्ड। कनेक्टिविटीज आपको यहाँ से पूरी मिल रही है, कहीं से आपको ऐसा फील नहीं होने वाला है कि आप कहीं आउट लोकेशन पे हैं, बिल्कुल बहुत ही प्राइम लोकेशन पे। ये मॉडल टाउन जो कि मालवीय नगर से पूरा टच करता हुआ लोकेशन है ये, तो आपको लोकेशन के अकॉर्डिंग भी बहुत अच्छा है। विला का फेसिंग आपको बहुत अच्छा मिल रहा है। अब मैं आपको अपना फिफ्थ बेडरूम दिखा देती हूँ। आइए ये जो स्टेयर्स जा रही हैं ये ऊपर टेरेस की तरफ जा रही हैं, अभी मैं आपको दिखाने वाली हूँ। आइए ये मिल जाता है हमें हमारा फिफ्थ बेडरूम। इसके डायमेंशन की अपन बात करें तो सेम साइज़ है, लगभग 12x18 का इसका डायमेंशन रहेगा। फॉल सीलिंग मिल रही है आपको यहाँ पे, आपके स्टोरेज के लिए सेम आपको वार्डरोब्स यहाँ मिल रही हैं। देखिए सेम वार्डरोब्स हैं, सेम स्टोरेज आपको यहाँ मिल रहा है, सेम साइज़ की आपको यहाँ ड्रेसिंग मिल रही है। LED पैनल आपको यहाँ ये मिल गया,
एसी की फिटिंग्स आपको यहाँ मिल रही है। ये मिल गया आपको सेम साइज़ का वॉशरूम, देखिए वॉशरूम भी काफ़ी स्पेशियस है। सारे रूम्स में आपको अटैच वॉशरूम मिल रहा है, ये बहुत अच्छी बात है कि आपको रूम से अटैच वॉशरूम सब में मिल रहा है। वेंटिलेशन के लिए विंडो मिल रही है, सेपरेट शावर एरिया मिल जाएगा आपको ये, एंड सैनिटरी फिटिंग्स आपको जगुआर की मिलेंगी यहाँ पे, बहुत अच्छा ब्रांड है। आइए, जो मैंने अभी आपको नीचे दिखाया था सेम वही देखिए, ये मिल गया आपको आपका एक्स्ट्रा यूटिलिटी एरिया, यहाँ हमने इसे जाल से कवर करवाया हुआ है, आप इसे जैसा चाहें अपने अकॉर्डिंग यूज़ कर सकते हैं इस एरिया को। यहाँ ये जो यूपीवीसी विंडो है ये टफन ग्लास में आपको मिल रही है, काफ़ी ब्रांडेड सैनिटरी फिटिंग्स। हमारा यहाँ पे जो वायर का फिटिंग्स है, जो भी ऑलमोस्ट हमारी जो भी यहाँ फिटिंग्स लगी हैं, सब कुछ हमारा काफ़ी हमने ब्रांडेड यूज़ किया है। आप चाहे फैंस देख लीजिए, फॉल सीलिंग का काम हमारा यहाँ आप देख लीजिए, लॉक्स अगर आप देखेंगे तो ये भी हमने काफ़ी ब्रांडेड यहाँ यूज़ किए हैं। अब मैं आपको अपने टेरेस की तरफ ले चलती हूँ, आइए अब अपन चलते हैं अपने टेरेस की तरफ। जैसे ही आप ऊपर टेरेस की तरफ एंटर होते हैं, यहाँ आपको दोनों साइड टेरेस के जो हैं गेट मिल रहे हैं, एक इस साइड का ये फ्रंट व्यू जाएगा। आइए पहले फ्रंट का व्यू देख लेते हैं टेरेस का अपना। इस टेरेस पे भी आपको नीचे फ्लोर अगर आप इस टेरेस का देखते हैं तो यहाँ भी आपको टाइल्स मिल गई हैं, एंड अब आपको कनेक्टिविटी यहाँ से बहुत अच्छी नज़र आने वाली है। देखिए सामने ही आपको यहाँ से पूरा सब कुछ नज़र आ रहा होगा, जयपुर एयरपोर्ट, जगतपुरा का मेन रेलवे स्टेशन, आसपास की लोकेलिटी, यहाँ से बहुत ही प्राइम लोकेशन है इस विला की, सब कुछ आपको नियर बाय यहाँ मिल रहा है। एक अगर आप व्यू देखें तो देखिए काफ़ी सुंदर व्यू यहाँ से आपको मिल रहा है, झालाना हिल्स आपको यहाँ से ये नज़र आ रहा है, काफ़ी अच्छा व्यू है। आप अपने यहाँ पे इवनिंग बहुत अच्छे से इंजॉय कर सकते हैं, आसपास की लोकेलिटी पूरी कवर है। अब मैं आपको अपना बैक साइड का टेरेस दिखा देती हूँ, आइए। बैक साइड की जो ये टेरेस है ये भी काफ़ी स्पेशियस है, बड़े साइज़ की है। यहाँ से अगर आप ऊपर जाना चाहें तो यहाँ भी हमने स्टेयर्स यहाँ लगाई हुई हैं, आपको बैक साइड से भी काफ़ी कुछ नज़र आ रहा होगा। देखिए WTP का मॉल भी यहाँ से मिल रहा है, जो सामने ही आपको नज़र भी आ रहा होगा। देखिए कनेक्टिविटी के साथ आपको ये प्रॉपर्टी मिल रही है, सब डिविजन प्रॉपर्टी है, SBI आपको इस पर लोन देगा, HDFC से आप लोन ले सकते हैं। प्रॉपर्टी बहुत अच्छी है, अगर आप इस प्रॉपर्टी में इंटरेस्टेड हैं, इसे विजिट करना चाहते हैं या इसे खरीदना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर्स पे आप हमें कॉल कर सकते हैं। ये दो ही विला हमने बनाए हैं यहाँ पे, ये वाला, ये जो विला भी आपने देखा ये हमारा पूरा कंप्लीट हो चुका है, ये जो है ये हमारा अंडर कंस्ट्रक्शन है, दो ही विला यहाँ ये बने हुए हैं। फेसिंग बड़ा अच्छा है, आप में से जो भी इंटरेस्टेड हो इस विला को लेने में तो आप हमें कॉन्टैक्ट वगैरह कर सकते हैं। पूरा विला आप देख चुके हैं, अब मैं आपको इसकी प्राइस बता देती हूँ। देखिए इसकी प्राइस की अगर अपन बात करें तो जैसा आपने वीडियो में देखा एज इट इज़, अगर आप वैसा का वैसा इसे लेते हैं तो 1,55,00,000 रुपये इसकी कीमत रहेगी। इस प्राइस पॉइंट पे आपको इस लोकेशन पे इतने बड़े साइज़ का ये विला मिल रहा है। देखिए बहुत अच्छी कंस्ट्रक्शन क्वालिटी के साथ आपको ये विला मिल रहा है। मैं से जो भी इंटरेस्टेड हो इस विला को विजिट करने के लिए आप कॉल कर सकते हैं, बुक करवा सकते हैं अपना विजिट स्लॉट। स्टे हैप्पी, स्टे सेफ, जय श्री कृष्णा।